हाय गाइस, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आज हम जा रहे हैं एक मुर्गा फार्म पे, जी हाँ पोल्ट्री फार्म पे। तो चलिए और चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को और विजिट करते हैं क्या है वहाँ, कैसा है नहीं है। चलिए तो चलते हैं और आगे मिलते हैं गाइस। वीडियो तो डाला नहीं था, अब आज होगा तो डालूंगा। बता दूँ कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं उस जगह का चाबी मेरे घर के पास, मेरे घर पे ही था, कल लाया था। तो आज पहले हम चल के आपको वो जगह दिखाएंगे और जगह देख के ही आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर रास्ते में शिवम के यहाँ पहले चलेंगे, उसको भी लेंगे साथ में, उसके बाद चलेंगे हम उस जगह पे, तो आपको दिखाएंगे क्या करने वाले और क्या है ये। तो लेट्स सी। तो गाइस, हम लोग अभी शिवम के यहाँ आ गए हैं। तो शिवम क्या है, बाइक से, इसलिए रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पकड़ने में हुआ नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे बंद करके जेब में रख लिया था। एंड अभी शिवम को उठाएंगे, ये सोया हुआ है, दिखाते हैं। शिवम, हे शिवम, शिवम उठना। देखो अभी सोया हुआ है, टाइम 7 के वैसे तो मैं भी उठा हूँ पहले, बट ही अभी तक सो रहा। ए उठना रे। वैसे एक्चुअली मैं उठ गया था बहुत पहले, मतलब करीब 15-20 मिनट पहले चाय वाय पी लिया था, फिर वापस से जाके बेड पे ही था, फिर कॉल आया कि आओ उधर, तो इसलिए निकल। उठना रे। तो फाइनली शिवम को उठाने में हम सक्सेस हुए एंड शिवम उठ गया है। अब ये गेट खुलेगा, यहाँ देख सकते हो पीछे, ये इसको आने में उठने में इतना टाइम लगता है, पता नहीं आज इतना जल्दी कैसे ये उठ गया, पता नहीं हमको खुद ही नहीं चल रहा कि इतना जल्दी उठा कैसे। खुल उठ गया, अब ये ताला मारेगा उसके बाद चलेगा। हम लोग जा रहे हैं जगह पे एंड अभी गाड़ी सीएम चलाएगा, तो हम मोबाइल ऑन करके कैमरा मोबाइल में कैमरा ऑन करके वीडियो बना सकते हैं रास्ते में, ठीक है। तो ये लोकल ही थोड़ा दूर है, इसलिए 100-200 मीटर में हेलमेट नहीं लेते हैं, वैसे लॉन्ग टूर में मैं ले लेता हूँ हमेशा। हम सबसे पहले इस जगह पे आए हैं, ये जगह देख के आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि कौन सी जगह पे हम आए हैं। लेट्स सी। अभी हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि चाबी मेरे ही पास है। हाँ हाँ, यही है। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे एंड अंदर चल के फिर दिखाएंगे बाहर का व्यू, तब तक देख सकते हो। हिसाब से यही चाबी होना चाहिए एंड हैवी। हमने तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही खोल लिया, वैसे झूठने बोला हूँ, एडक मुझे नहीं पता था कि यही चाबी है या नहीं। ओ सॉरी, ये बाहर से खुलेगा, हम अंदर की ओर खोल लेते हैं। शटर को पहले हम बंद करेंगे एंड गाइस लेट्स सी। इधर साफ हो चुका है एंड इधर भी साफ हो चुका है ऑलमोस्ट, और आगे वाला फॉर्म जो है उधर भी हम दिखाएंगे अभी थोड़ा देर में। हम यहाँ पे आ गए हैं, कौन सी जगह यहाँ पे क्या होता है ये जगह देख के तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा। तो ये मुर्गा फॉर्म है, यहाँ पे मुर्गा पाला जाता है, ठीक है। तो यही हम स्टार्ट करने वाले हैं दो लोग मिल करके, ठीक है। भैया अब यहाँ नहीं है, वो आ रहे हैं, आज आ जाएंगे। और ये सब एक साफ हुआ है 1-2 दिन पहले, ये सब भी साफ हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा था। और किस तरह से गंदा था वो उसमें जाके दिखाएंगे, क्योंकि उसमें अभी कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही अभी तक पड़ा हुआ है, तो उसमें सारा चीज़ होगा। और इसका जो है बॉल वॉल का कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, दिखाते हैं कनेक्शन है बॉल का, ये तार होल्डर अभी तक एक भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ था वो सब तार पुरान हो चुका था, वो सब तोड़ के हम लोगों ने हटा चुका हूँ। एंड थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, इसको भी रिपेयर करेंगे, आ जा रहे तो। और ये सब सिस्टम देख सकते हो आप, ये है पानी के लिए, ठीक है। इसका डब्बा वहाँ पे पड़ा हुआ जो वॉश हुआ, दिखाते हैं, ये पाइप से पानी आता है, ठीक है। और ये जो रस्सी होगा खाली खाली, उसमें खाना लटकता है, मतलब खाना वाला डब्बा है। डब्बा इधर दिखाते हैं, ये देखो, ये खाना वाला है एंड ये पानी वाला है, पानी एंड डब्बा अगर इसी में मिलके पड़ता है, यहाँ पे रहता है ऐसे इसमें, एंड खाना उस डब्बा में रहता है, ठीक है। भर भर के छोटा बच्चा है अभी, तो छोटा वाला पड़ेगा, ये ढक्कन है दोनों का एंड सी सेम हेयर जैसा उधर है, क्योंकि
पूरा सब कुछ सेम, वो देख रहे हो वो छोटा सा जो बिल्कुल अच्छी तरह का स्टैंड पे आप लोगों को मुर्गा फार्म तो आप लोग देख लिए इधर का। अब उधर का दिखाएंगे कि पहले कैसा था और अभी कैसा, ये हो गया है और पहले ये भी कैसा था, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो 5-6 मंथ पहले की बात है उतना पता नहीं, बट राउंड वो होगा उतना दिन पहले जब मुर्गा मतलब फार्म ये चालू था, उसके बाद बच्चा जब उठ के गया था उसके बाद ना ही ये फार्म साफ हुआ था ना ही कुछ हुआ था। जैसा गया था बच्चा उठ के वैसा ही पड़ा रहा था उसके बाद, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लग रहा है इसको साफ़ सफाई करने में। तो पहले हम इसको कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तभी अभी भैया नहीं आया तो अभी कुछ करेंगे ना, एक लड़का को बुलाएं साफ करने के लिए, वो भी अभी नहीं आया है, वो आएगा तो हम करेंगे। तब तक चलते हैं उस फॉर्म में देखते हैं और कि क्या है वहाँ। तो सबसे पहले इसका चाबी ये होना चाहिए, इसका चाबी तो पता ही है बट वो उसका चाबी नहीं पता लगता है जल्दी, क्योंकि ये और वो बड़ा वाला ताला है ना तो दो चाबी है वैसा, इसलिए इसका पता नहीं चलता। खोल के हमने ओपन कर लिया और फिर चलते हैं अंदर, अंदर चलेंगे देख सकते हो। इधर देखो जैसा ये है ना अभी वैसा ही सेम उधर वाला भी है, मतलब है नहीं था उसको साफ कर दिया है। इसको देखो ऐसे ही, मतलब जब मुर्गा उठा है उसके बाद जैसे का तैसे ही है, एक दो डब्बा फूटा भी है। ये देख लो इसी प्रकार से रहता है, मतलब खाना के लिए ऐसे रहेगा और पानी वाला वो दवा वाला उधर रहेगा ऐसे ही। एंड लेट्स सी, और इधर देख रहे हो ये सब, और ये पन्नी है जो बारिश के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में कम इसका यूज होता है बट विंटर के समय ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ठंडा उस सबको ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए चारों तरफ से पन्नी घेर दिया जाता है ताकि गर्म रहे अंदर में, और शॉर्ट वाला बॉल जलाया जाता है। और यहाँ पे ये दाना का ये पाइप तो आप लोग जानते ही होंगे। एंड सी गाइस, जैसा ये है इस तरह से ही रहता है, जब भी बच्चा होगा आएगा तो इस तरह से ही सब कुछ सजा के रखना होगा उसको खाना उना के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे फिर देखते हैं आपको दिखाते हैं। ये इतना ही है, ये सब जो है सो ऐसे ही रहेगा। और पहले तो आज जिसको हम बुलाए हैं साफ़ करने के लिए वो कल धोखा दिया था हम लोगों को, क्योंकि वो परसों काम किया था उसके बाद बोला था कि कल भी आएंगे लेकिन वो कल नहीं आया था। तो आज वो बोला है कि आज आएंगे बट पता नहीं, भरोसा नहीं, क्योंकि एक दिन तो धोखा दे चुका है तो भाई सतर्क तो रहना पड़ेगा। तो आज भी उसका देखते हैं गया लाने के लिए, बट आता है या नहीं आता है, कहाँ गया नहीं गया वो पता नहीं। तो वो आता है तो फिर आएगा, ब्लॉग वहीं पे बनेगा क्योंकि वो आएगा तभी सारा काम होगा, तो दिखाएंगे हम आपको। लेट्स सी, बने रहे ब्लॉग में। एंड चुका, और यहाँ पे इतना कुन्नी का खुदाई हो चुकी है। एंड इधर जो बचा ये भी होगा, पूरा होगा, और ये हो चुका है। तो वो कर रहा है उधर वही वाला जो मशीन दिखाए थे, मशीन बोलते वो हाथ से चलाने वाला ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल है वो, ठीक है। तो वो हो चुका है और अभी ये पूरा साफ होगा। एंड आज कोशिश करेंगे कि ये भी फॉर्म क्लीन करके क्लीन काम फिनिश करने का। मिलते हैं इस, यहाँ पे आधा काम हो चुका है पूरा और 50%, हाँ ऑलमोस्ट 50% डन है। तो ये डब्बा उब्बा जो था पीछे ये सब भी खुल गया है, देख सकते हैं। पहले ये सब डब्बा लगा हुआ था, जैसे कि ये डब्बा ये इसमें लगा हुआ था, ये वाला देखिए पानी वाला, ये सब खुल के इधर रखा गया है, खाना वाला उधर चला गया, और कुछ डब्बा पीछे वहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर रखा गया है, और फिर थोड़ा सा जो है वहाँ पर रखा गया, और सारा का सारा खुल गया वो आप लोग देख सकते हैं। पहले लगा हुआ था अभी खुल गया, और इधर साफ होकर के फिर जमा भी हो गया। अब ये फेंकाएगा उसका झाड़ू लाएगा क्लीन हो जाएगा, और इधर वो कुदारी से एक जगह कर रहा है, ये पहले कर रहा था हो गया था उससे। अब चलते हैं फिर आगे जो होगा नेक्स्ट दिखाते हैं। तो
वो देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे चूना छिटा रहा है, क्योंकि इसका जो मल था उसका डस्ट बहुत ख़राब होता है इसके लिए, इसलिए ये जब पड़ जाता है तो उसके बाद जो बैक्टीरिया वगैरह है थोड़ा मोड़ा उसको साफ़ हो जाता है, और कॉर्नर में ज़्यादा रहता है क्योंकि कॉर्नर वाला ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है, बीच वाला तो झाड़ू से हो जाता है, इसलिए अभी उधर पड़ेगा। और सामान लाए थे आज हम लोग पन्नी, हाँ ये, क्योंकि ये जो है ये साइड में लगा होगा वहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये सब फट गया है और बारिश बारिश का मौसम होता है तो उसमें लगाने के लिए सही रहता है। ये वो आया है और ये चूना आया था जो यहाँ पे अभी और है उधर छिटा रहा है, उसके बाद होल्डर वगैरह लगेगा तब होगा नेक्स्ट, आगे दिखाते हैं थोड़ा देर में। गाइस लगभग जो है इधर आधा फॉर्म साफ हो चुका है एंड हाफ जो बचा हुआ है इधर का भी, इधर का इतना परसेंट साफ़ हो चुका है और बचा है बस उधर का, तो उधर का भी अब साफ हो ही जाएगा। और उधर जो है रिंकू है वो कर रहे हैं लाइन का काम कर रहे हैं, तो हम आपको दिखा दें पहले लाइन वाला, क्योंकि पहले कुछ नहीं था लाइन का। ये बिजली मैन जो है लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं, लाइन आया हुआ है यहाँ से कटा हुआ है, और ये सब नहीं था पहले, अब इधर से कनेक्शन हो रहा है बॉल का, एक हो तो तीन, तीन हो चुका है, चार हो चुका है, पांचवा ये कर रहे हैं, चौथा करेंगे, उसके बाद इसी तरह से पूरा होगा लाइन का काम। उसके बाद आगे का जो है कुंडी नहीं आया अभी, वो आएगा। तो यहाँ पे पेपर नहीं बिछा हुआ था, पेपर बिछा रहे रिंकू भैया, और पूरा पीछे कुन्नी भी पड़ा हुआ है तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे पड़ेगा बिल्कुल आगे काम जो है फाइनली पूरा हो गया। सॉरी कुन्नी तो आ ही गया है एंड पेपर काम पूरा उस तरफ का हो गया है, ये बॉर्डर है एक, और इधर का काम हो रहा है जो कि इधर इतना हो गया उधर भी हो रहा है, और साइड से देख रहे हो पूरा पन्नी लग गया है। सी यहाँ पे पेपर का काम सारा हो गया है, और अभी रात का करीब समय बता दूँ तो 2 के आसपास हो रहा होगा, और देख सकते हो पूरा दो दो घर बना है इसमें, दोनों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है सामने वो जो गाड़ी है उसी में बच्चा है, और गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पे देखिए लग चुकी है गाड़ी, एंड अब हम लोग इसमें से बच्चा उतारेंगे, और बच्चा हमें चाहिए 2200 के करीब, यानी कि 37 को 37 कैरेट आएगा यहाँ पे, ये जो कैरेट है ये 37 उतरेगा उतार। तो यहाँ पे मैं कैरेट उतारा था, 2 कैरेट में मुझे लगा हल्का होगा, बट भाई साहब बहुत भारी था, और ले जा रहे हैं अभी वहाँ पर अंदर रखेंगे, फिर काउंट करके रखाएगा मतलब कि जो घर बना हुआ था उसमें। और ये देख सकते हो ये, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, माय पेट, तो सोचा घूम रहे हैं तो इसको भी घुमा ले थोड़ा सा इधर। ये आपके सामने पता
हेलो गाइस, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, ये पोल्ट्री फार्म वाला, वो आप लोग कमेंट में बताना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वन मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ यार, बस देख के चले जाते हो, छोड़ो देखता भी नहीं कोई।